सुप्रभातम बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अध्ययन में अपना मन लगा रहे होंगे। चलिए आज हम चैप्टर 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। संस्कृत चैप्टर 6 का अध्ययन आज हम करेंगे। गृहम शून्यम सुताम विना, चैप्टर नेम है। षष्ठा पाठा गृहम शून्यम सुताम विना, पुत्री के बिना घर सूना लगता है, बेटी के बिना घर सूना लगता है। चलिए हम इसका अध्ययन करेंगे, अर्थ समझेंगे। आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। मैं कई बार कह चुका हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप सभी किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे से जरूर याद कर लें, ताकि आपको चैप्टर का अर्थ पूरा समझ में आए। पढ़ता हूँ मैं, आपको अर्थ बताता हूँ। शालिनी ग्रीष्म अवकाश से पितृगृहम आगच्छति। ग्रीष्म अवकाश में, गर्मियों की छुट्टियों में, शालिनी अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मन सा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ती, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परंतु तस्याः भ्रातृजाया उसकी भाभी उदासीना एव दृश्यते, उदासी दिखाई देती हैं। शालिनी कहती है, भ्रातृजाय भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, तुम कुछ परेशान लग रही हो। सर्वं कुशलं खलु, सब कुछ कुशल तो है। माला कहती है, माला कौन थी? माला उसकी भाभी थी। तो माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल मंगल हूँ, मैं सकुशल हूँ। तदर्थम किम आने आने, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, शीतल ठंडी पेय वस्तु या चाय, मैं आपके लिए क्या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोई ठंडा कुछ लाऊं या चाय लाऊं? शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी मैं कुछ नहीं चाहती। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि में सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, भोजन के समय भी माला की मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, किंतु उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। राकेशा भगिनी शालिनी दृष्ट्या त्वं समागता, राकेश ने कहा कि बहन शालिनी भाग्य से तुम आ गई हो। मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, मेरे कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हुई है, महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, और आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास चली जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् संपादय, उसके परामर्श के अनुसार जो करना हो वह करो। शालिनी किम अभवत, शालिनी ने कहा क्या हुआ? भ्रातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? अहं तु ह्यः प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे वह स्वस्थ नहीं है। राकेशः चिंतायाः विषयः नास्ति, राकेश ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुर्ता, माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाते हुए बात करती हैं। शालिनी किम अभवत भ्रातृजाये, शालिनी ने पूछा कि क्या हुआ भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला ने कहा, शालिनी अहम मास त्रयस्य गर्भ स्वकक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ।
मीन्स मेरे कोख में 3 महीने का गर्भ है। तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति यत् अहम् लिंग परीक्षणम् कारयेयम्। तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग की जांच करवाऊँ। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत् गर्भपातेयम्। कोख में यदि कन्या है तो मैं गर्भपात करवा लूँ। अहम् अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत व्याकुल हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, मैं बहुत व्याकुल हूँ किंतु तुम्हारे भाई मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। शालिनी, भ्राता एवं चिंतितम् अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत् वधारः, शिशु यदि कन्या है तो वह वध के योग्य है। वधारः चिंतयति, सॉरी हाँ, जघन्यम कृत्यमितम्, यह क्या है, यह तो घोर पाप कर्म है, यह तो जघन्य कृत्य है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहे हैं। तुम तूष्णीं तिष्ठसि, और तुम चुप हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। उसने क्या कहा, तुम अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदाग्रहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, जब भाई घर आएंगे तब मैं बात करूंगी। किसने कहा ऐसा, ऐसा शालिनी ने कहा। संध्याकाले भ्राता आगच्छति हस्त पदादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वाल पति भवानी स्तुतिम चापी करोती, भाई घर शाम को घर आता है, हाथ पैर इत्यादि धोकर कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है और देवी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। राकेशा, माले तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, माला उसने पूछा, राकेश ने कहा माला तुम चिकित्सिका के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला माला मौन मेवा श्रेयति, माला चुप रहती है। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपबसति तस्मात् चाप्लेहम चायाचति, तभी खेलती हुई इसकी 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेशा अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चॉकलेहम पिताय ताम क्रोडात अवतारयति, तथा चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, पुनः माला की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब देख करके क्या उत्तर देती है, वो बोलती है। शालिनी, भ्राता तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, शालिनी ने कहा भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी उनकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षड मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उसने क्या कहा था, शुरू में आपने पढ़ा था कि उसके कोख में 3 माह का गर्भ है, तो 3 माह और 6 माह बाद जब उसका जन्म होगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा उसने कहा। हाँ, यहाँ पढ़ रहे थे कि समयात पूर्वम किमर्थम अयत आयासा अयम आयासा, समय से पहले यह प्रयास क्यों। राकेश ने कहा भगनी तुम तो जानासी, बहन तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तो मीन्स उसके लिए जानना चाहता है। शालिनी ने कहा तरी कुच्छी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, ये तो यदि कोख में पुत्री है तो वह हत्या के योग्य है। ऊंची आवाज, तीव्र सुरेण ऊंची आवाज में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तुम हत्या का पाप करने में लगे हो। किसने कहा,
शालिनी ने। राकेश साहब, ना हत्या तो ना। राकेश ने क्या कहा? नहीं नहीं हत्या तो नहीं। अब शालिनी ने कहा, तरही किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तो यह घृणा की योग्य कार्य क्या है जो तुम करने जा रहे हो? यह घृणा की योग्य कार्य क्या है? सर्वथा विस्मृतवान, तुम पूरी तरह भूल गए हो। अस्माकम जन का कदापि पुत्र पुत्री पुत्र मया विभेदम न कृतवान, कि हमारे पिताजी ने कभी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। सह सदैव, वह हमेशा मनुस्मृति है, मनुस्मृति की पंक्ति में माम उद्धरती, इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रा पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्री पुत्र के समान होती है। वो ये मनुस्मृति की एक पंक्ति है, इसका उदाहरण, ये इस उदाहरण को वो हमेशा दिया करते थे। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि, और तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारं करोसि, किस लिए सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार क्यों करते हो? तव मनसि यदि कुत्सिका वृत्ति ही आगता, तुम्हारे मन में इतना दुष्ट विचार आ गया। इयम चिंतित्यैव अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर ही मैं क्या हो गई हूँ? जड़ हो गई हूँ, मैं पत्थर हो गई हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी सारी शिक्षा तुम्हारी व्यर्थ हो गई। ऐसा किसने कहा? शालिनी ने। राकेश साहब, भगनी विरम विरम, राकेश ने कहा कि बहन रुको रुको, अहम स्वपराधम स्वीकरोमी लज्जिता चास्मी, मैं अपना स्वीकार अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गृहतम मिदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, मैं इस निंदनीय कार्य को आज से इस निंदनीय कार्य को मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्णम स्नेह सधिकारिणी अस्ति, जैसी अंबिका मेरे हृदय का पूर्ण स्नेह प्राप्त करने की अधिकारिणी है, वैसे ही तथैव वैसे ही आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्रा भवतु पुत्री वा, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगृह चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान, मैं अपने निंदनीय चिंतन के प्रति भी पश्चाताप मग्न हूँ, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रियाः। मीन्स जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, किंतु जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं, सारे कार्य विफल हो जाते हैं। अथवा पितुर दस गुणा मातेति, अथवा माता पिता से दस गुणा अधिक होती है। हे बहन, उसने कहा भगनी, त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता भगनी, हे भगनी हे बहन, तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है। उसने क्या कहा? तुमने मेरा मुझे सन्मार्ग दिखाया। कनिष्ठापि त्वम मम गुरुरर्षि, कनिष्ठ छोटी होकर की सबसे छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। ऐसा किसने? राकेश ने कहा। शालिनी अलम पश्चातापि, शालिनी ने कहा कि पश्चाताप ना करें। तव मनसा अंधकार अवगतः, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नताया विश्वयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाए आगच्छ, भावी आओ। सर्वां चिंतां त्यज आगंतुः, शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव। आओ, सारी चिंता छोड़ दो, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्ता स्थास्यसि, कन्या की रक्षा में और उसे पढ़ाने में तुम सावधान रहोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठाय, पुत्री की रक्षा करो और बेटी को
पढ़ाओ, मीन्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति। यह सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयम, जब हम सभी सर्वे मिलित्वा मिलकर सभी हम जब हम सभी मिलकर चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, इस सोच को यथार्थ रूप में परिणत करेंगे, यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृप नये पांचालिका विक्रमे, जो स्त्री तत्वों के चिंतन में गार्गी की तरह, तत्वों के चिंतन में गार्गी की तरह, राजनीति में पांचालिका की तरह, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानंगणे कल्पना, और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना की तरह, सॉरी पांचालिका राजनीति में पांचालिका की तरह, पराक्रम में लक्ष्मी की तरह, पराक्रम में लक्ष्मी की तरह, शत्रु के विनाश में आकाश की तरह, और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना की तरह है, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना की तरह, इंद्रोद्योग पथे चाखेल जगति ख्याता विता साइना, और खेल जगत में प्रशंसनीय तथा जो चारों ओर से प्रशंसित साइना की तरह है, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सर्वा सबला सर्वई सदोत्साहताम, ऐसी वह स्त्री सभी दिशाओं में सबला हो तभी तथा सभी के द्वारा सदा प्रोत्साहित रहे। ये था मेरा चैप्टर 6। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, तो हम इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि इसमें की PDF जो है आपकी डायरेक्ट हम दे देंगे, तो इसमें एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप PDF से एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।